उत्तराखंड के गरुड़ में एसडीएम ने डीडी हॉट से रानीखेत चलने वाली एकमात्र बस के कागजात गुरुवार दोपहर अपने कब्जे में ले लिए। रोजाना की बातें, डीटी हॉट रानीखेत के एमयू की बस जैसे ही वैद्यनाथ पुल पहुंची तो जाम में फंस गई। तभी एसडीएम सुंदर सिंह का सरकारी वाहन भी बस के पीछे जाम में फंस गया। एसडीएम साहब के वाहन द्वारा हॉर्न व होटर बजाया गया तो बस चालक ने आनन फानन में बस किनारे लगानी चाहिए, लेकिन सड़क कम चौड़ी होने के चलते एसडीएम साहब का वाहन जाम से नहीं निकल सका। एसडीएम साहब को जाम में फंसना नागवार गुजरा और उन्होंने जाम के लिए बस चालक को जिम्मेदार बताते हुए बस के आवश्यक कागजात अपने कब्जे में ले लिए। वाहन चालक द्वारा नगद चालान कराने का निवेदन भी किया गया, लेकिन एसडीएम ने एक न सुनी और बस चालक से कागज लेकर चल दिए। जब चालक व परिचालक ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कई बार निवेदन किया, लेकिन उसके बावजूद भी एसडीएम ने कागज वापस नहीं किए। इसी बीच बस में सवार 10 से 15 सवारियां कागज न मिलने के चलते लगभग 4 घंटे तक गाड़ी में ही बैठे रहे। राजनीतिक सिफारिशों के बीच एसडीएम ने वाहन के कागज तो लौटा दिए, लेकिन इस कार्रवाई से सबसे अधिक प्रभावित हुए बस में सवार 10 से 15 यात्री, जो कि बार बार यही कह रहे थे कि हमारे पास रानीखेत पहुंचने का बस के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। और हम गाड़ी भी नहीं मिलती, मैं जाऊंगी कैसे? अभी 4 घंटे होंगे कब से वेट कर रहा हूँ। आगे ड्राइवर को शिकायत करने का मौका ही नहीं मिला गाड़ी को, और आप लोगों ने जो है एकदम चालान कर दिया। इसमें हम लोगों को देखो, हम तो गवाने आदमी हैं, हम घर गांव से आए हैं, वो क्या कहते हैं कपकोट से आगे रहते हैं हम लोग। हमने जाना था रानीखेत, अभी हमारे बच्चे को कल से छुट्टी हो रही है, उनको लेने के लिए बहुत इमरजेंसी जा रहा था, हम भी रास्ते में रुक गए हैं, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो भी हुआ इन लोगों को वाली बात है। तो एसडीएम ने आपकी गाड़ी के कागज ले लिए थे? जी हाँ जी हाँ। तो ये एसडीएम साहब ने कागज के गाड़ी ले लिया, ये नहीं पता लगा कि पीछे आगे भी जाम खड़ी थी, पीछे भी जाम हो रहा था सारी जगह में, तो एसडीएम साहब आगे उतने में क्या पता था एसडीएम साहब करके। कहते ऐसा रहा कि आगे जाम लग गया था, जाम लगने के कारण कि गाड़ी आगे नहीं निकल पाई, तो उन्होंने हमारे कागज ले लिए। कागज लेने के बाद सवारियाँ सुबह से इंतजार कर रही हैं, सवारियों ने दूर जाना है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं।